वापस एक बार हम लोग आ गए हैं माइनक्राफ्ट के खतरनाक ग्राफिक्स में। मैं हूँ ईशान और ये है अपने साथ अपना बंदा स्ट्यू भाई। सब क्या हो गया, मैंने आर्मर नहीं पहना क्या? ओके सॉरी, मैं भी बोला क्या प्रॉब्लम हो गया, मैंने आर्मर नहीं पहना। एक्चुअली क्या हो गया था गाइज, काफी शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले। आज हम लोग जाने वाले हैं अपने घर के यहाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग बोले कि ये पोर्टल को मत बनाओ, कुछ लोग बोले ये भी बना दो। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ आज, मैं क्या करूँगा कि अपने घर के यहाँ पोर्टल बनाऊँगा, और ये वाला पोर्टल हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे वापस एक बार कभी तो। और गाइस, जो शर्मिंदगी वाली बात हुई थी मैं आपको अभी बताता हूँ, किसी को बताना मत प्लीज़। लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग जब बंद की, कहाँ गई वो जगह? ओके ये देखो यहाँ पे। सो क्या हो गया, मैं ऐसे सामने देख रहा था, आपको बता रहा था, और गलती से मैं पीछे आ गया रिकॉर्डिंग के बाद और नीचे गिर के मर गया, इसलिए मेरा आर्मर सब निकला पड़ा है। ठीक है, ये सब तो जाने दो। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने पास डायमंड पिकैक्स थी वो मैंने ऊपर रख दी है चेस्ट में। चेस्ट में से डायमंड पिकैक्स लेके निकलते हम लोग यहाँ से। नीचे ही ऑब्सीडियन मिलता है, एकदम पास में ऑब्सीडियन मिलता है, वही लेके चलते। हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। डायमंड पिकैक्स कहाँ गई मेरी? ओके मिल गई, पिकैक्स मिल गई। अपना जो क्या बोलते, ओ भाई वो कौन है? ओ भाई साहब, चल जल्दी चल। फर्स्ट एपिसोड से इस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ गाइस। ये है ट्रेडर, वंडरिंग ट्रेडर। भाई साहब मेरे जो मार्क लगा है उसके आसपास है। अभी गाइस एक गलत चीज़ करनी है मुझे, वो ये है कि मुझे इसको मारना है लामा के लिए नहीं, लेकिन एक्चुअली मारना है मुझे इसको लीड के लिए। मेरे पास लीड है ही नहीं, स्लाइम मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, स्लाइम मिलता ही नहीं। देखते हैं इसके ये क्या है, ट्रेड क्या देता है ये। बकेट ऑफ पफर फिश, ये बकवास चीज़ें आएगी, मुझे तो लगता है बकवास चीज़ें। तो एक्चुअली अपने को इसको मारना है। वो वैसे भी अटक गया यार, एक मिनट, मेरे पास बोट है क्या अभी? है, चेकआउट करते अगर मैं इसको बोट से दूर लेके जा सकता हूँ क्या? नहीं लेके जा सकता मैं भी। ओ भाई इससे मारना शुरू कर दिया, मैं सीधा ट्रेडर को मारता हूँ, अभी ज़्यादा हो गया लामा का। ओके मैंने मार दिया ट्रेडर को, मार दिया, मुझे लीड मिल गई, लीड दे दे। भागो यहाँ से भागो, लामा यहीं पे रहने दो, क्योंकि लोगों ने बताया मुझे कि लामा को थोड़ा यहीं पे रहने दो और दूर चले जाओ उनसे। नेक्स्ट डे जब आओगे तब वो थूकेंगे नहीं अपने पे। भाई साहब ये सीरियसली थूक रहे अपने पे। अबे क्या एम है उन लोगों का, भाई देखो क्या थूक रहे मस्त। यार जल्दी आ जाओ ना, मुझे नहीं लगता है ये एपिसोड में नेदर में जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे, मोस्टली सिर्फ नेदर पोर्टल बन जाएगा अपने से। वो ठीक है, अभी मुझे जाना है नीचे। मैं चला यार नीचे जाने दे। ओ भाई साहब मेरे पास कमी है, हेल्थ की कमी है, हंग्री हूँ मैं। ओके तो इसको तोड़ते हैं, ये वाले को। ओ भाई ये नीचे ना आ जाए अपने साथ बंदे। ओके ये ब्लॉक कर देता हूँ मैं यहाँ से कहीं से। ठीक है अभी मुझे नीचे जाना है। ये लोग ऊपर से नीचे आए आ ही नहीं सकते अपने पास। ऑब्सीडियन कहाँ पे था, एक मिनट याद आने दो। ठीक है, ओ नहीं मैं नीचे गिर गया यार। ठीक है यहाँ पे तो पानी है, यहाँ से आराम से जा पाऊँगा। ओके ये जगह पे मुझे अपना काम करना है अभी के लिए। गाइस तो एक्चुअली क्या हुआ है, मेरे रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज आ गए थे, इसलिए मेरा वो वाला पार्ट ही नहीं रिकॉर्ड हुआ जहाँ पे मैं ऑब्सीडियंस ले रहा था। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से यही चीज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक भी ऑब्सीडियन नहीं है, यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास हर एपिसोड के बाद सेव फाइल होती है, तो मैं सेम चीज़ें करके आया हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो दो लीड मैंने वहाँ से ली थी, वो भी है मेरे पास। भाई साहब क्या ही बताओ आप लोगों को यार, रिकॉर्डिंग की इश्यूज़, कभी कभी तो रिकॉर्ड बटन प्रेस करना भी भूल जाता हूँ मैं। ओ भाई साहब अजीब बंदा है। अभी भाई मेरे पास 15 हो गए ऑब्सीडियन, अभी अपने पास 20 हो जाएंगे तब हम लोग यहाँ से निकलते। 20 इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे एन्चेंटिंग टेबल भी बनाना है, मुझे पता नहीं था उसके लिए ऑब्सीडियन लगते हैं, बाद में मुझे रेसिपी देख के समझ गया क्या लगता है उसको। ओके 20 ऑब्सीडियन हो गए, हम लोग यहाँ से निकलते। यार बोर हो गया मुझे, ये ऑब्सीडियन माइन करना यार सबसे बोरिंग काम है, ऐसा मुझे लगने लग गया। भाई साहब ये बंद कर देता हूँ, नहीं तो गलती से यहीं पर आके मैं, ये देखो लामा यहीं पर अभी भी। ओ आई गेस लामा भी मारेंगे नहीं अपने को। वेट लामा को टेम कल से करते हैं, मुझे ढूंढने दो। ओके इसको एक्चुअली वीट दे के मैं पटा सकता हूँ, लेकिन एक मिनट मुझे सोना चाहिए पहले। सामने एक घर दिख रहा है अपने,
तो मैं पहले सो के आता हूँ यार, अपने को गेम सेव करनी है, मेरे पास 20 ऑब्सीडियन है, पहले मैं ऑब्सीडियन भी सेव कर देता हूँ, सेव यानी कि चेस्ट में रख के आता हूँ, सोने के बाद यार सेव हो जाए गेम जल्दी से। चलो अकेले सोना पड़ेगा यार। ठीक है अभी चलते हैं, अभी चलते हैं अपने चेस्ट के, यार नॉर्मल चेस्ट का आ गई, यहाँ पे है अपनी बहुत सारी चेस्ट, साइड हो जाए सर भाई निकल। ओके ठीक है, चेस्ट में रख देते अभी के लिए ऑब्सीडियन रख देते सब, एंड डायमंड पिकैक्स भी मैं यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। है क्या अपने बस है। ओके मैंने काफ़ी सारा वीट इकट्ठा कर लिया है, एंड अभी चलते लामा के पास, अपना लामा यार जिंदा होगा वो अच्छी बात होगी, लामा के लिए लीड भी है ना मेरे पास। ओ भाई साहब एंडरमैन का आवाज। हेलो भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, एंडरमैन से बाद में एंडर पर्ल लेना है मुझे मार के उसको। कहा गया वो लामा? आजा लामा, ओए लामा लामा इधर आ इधर आ, लामा लामा मेरा लामा मेरा प्यारा लामा रे आजा ना रे आजा जा आजा आजा लामा यहाँ पे। हेलो हेलो यू खा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना खाता है भाई इसको, कैसे पटाओ और कितना पटाते हैं इसको, इसको भी देते हैं 10, हो गया काम, लेकिन ये आता नहीं अपने साथ। ओके तू भी आ जा, इसको भी मैं अटैच कर सकता हूँ क्या एक साथ? अबे नहीं दोनों को एक साथ कर दिया मैंने अटैच। आ जा भाई तू इधर आ जा, तुम लोग इधर आ जाओ, दोनों लामा को है ना हम लोग आज के लिए यही विलेज में कहीं पे रखने वाले, बाद में मैं इसका कुछ करता हूँ इन द सेंस कहीं और लेके जाएंगे इनको। इसको ओपन कर, अंदर आ जा लामा, अंदर आ जा लामा, अंदर आ। ओके ठीक है, अब गेट तो ओपन किया था मैंने, नहीं 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 ये भाग गया नूबड़े लामा, अंदर आ तू, अंदर आ, गेट बंद कर दिया ठीक से, ये भाग ना जाए कभी। ओके ब्रेड्स बना लिए ताकि मुझे ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत ना पड़े। मुझे लगता है अपने को गोल्डन लेगिंग्स लगेंगी बाद में, ये वाली ले लेते हैं हम लोग अपने साथ ही। देन मुझे लगता है एंड्रोसाइट की ज़रूरत नहीं है, उसको यहीं पे छोड़ देते, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैं सब यहीं पे छोड़ने वाला हूँ। डायमंड पिकेक्स का गई वो भी लेके चलनी, गलती से मैंने अगर ऑब्सीडियन मिसप्लेस कर दिया तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। लैपिस लोजी ये सब अगर मुझे नेक्स्ट टाइम लगेगा तब मैं ले लूँगा। ओ भाई साहब ये काफ़ी सारा शुगर केन है वो भी ले लेता हूँ मैं। ओके तो मैंने जो जो चीज़ें अपने को लगेगी वो सब ले लिए, कहीं पे सो लेते हैं, वैसे भी रात का समय होने वाला है, रात का ही समय होने वाला है ना। ओके तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी, थोड़ी देर में हो जाएगी, तब तक मैं इनका जो फार्म है वहाँ से कुछ ना कुछ उठा लेता हूँ मस्त मस्त, इनके लिए इनका काम करके जा रहा हूँ मैं। रात का समय होने वाला है, स्टिल मैं ऐसे ही भाग के जाने वाला हूँ। हेलो कुत्तू कहाँ गया? एक मिनट तू झाड़ियों में क्यों छुपाया? ये ले ये ले, ये ले, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, थोड़ा विलेज सेंटर में आ जा, तू यहीं पे आके चुपचाप बैठना, तू आ जा भाई आ जा, बैठ चुपचाप बैठ यहीं पे, तू भी उठ जा चल, यहाँ पे मैं सोएगा। ओके अभी हम लोग निकलते हैं, बाय, बाद में मिलते हम लोग। घोड़ा लेके चलता हूँ, घोड़ा काफ़ी तेज़ हो जाएगा अपने घर पे जाने के लिए, घोड़े से तेज तो जा सकते बस एक जगह पे एक गुफा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है और कुछ भी बात नहीं। वैसे गाइस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जब मैंने वंडरिंग ट्रेडर को मारा यार, बेचारा यार कितना घूम के आता है। हम लोग आ गए अपने पुराने विलेज में। ओके मेरे पास काफ़ी सारे ब्रेड है ना, तो एक बात करते हम लोग। ओ भाई साहब उनके साथ क्या हो रहा है उधर, क्या चालू गाइस? देखो 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 देखो, अबे नया विलेजर आ गया अपने इधर, यस। ओ भाई प्राइवेट काम। तो विलेजर को अगर मैं ब्रेड दूँ तो वो जल्दी बड़ा भी हो जाता है ऐसा लोगों ने बोला। ओए छतू ये ले, ओए लो तू कहाँ पे है? ये ले ये ले, किसने उठाया यार पता नहीं मुझे। काफ़ी सारे ब्रेड्स मैंने दे दिए विलेजर्स को अभी के लिए, अपने घोड़े को पार्क कर देते अच्छी जगह पे जहाँ पे हम लोग इसको हमेशा ही पार्क करते गायों के साथ, एकदम खुश रहता है ये यहाँ पे, इसको पसंद है। और अपने को चलना है अभी अपने हाउस के यहाँ पे जहाँ पे मैं बनाऊंगा नेदर पोर्टल। ओके अभी मुझे एग्जैक्टली पता ना कैसे बनाऊँ मैं नेदर पोर्टल, और जिसको नहीं पता मैंने इस पे फ्लैग बनाया था अपने घर के ऊपर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए इंडिया का फ्लैग बनाया था, लेकिन मैंने इसको नीचे कर दिया है ऐसा समझ लीजिए आप, क्योंकि भाई हमेशा नहीं रहता फ्लैग घर के ऊपर और रात के समय तो नहीं रखना चाहिए,
मैं एक एन्चेंटिंग टेबल बना लेता हूँ सीधे अभी के अभी। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है। इसको अभी के लिए मैं नीचे रख देता हूँ, बाद में हम लोग कुछ इसमें मस्त लगाएंगे। भाई ये हवा में ऐसे कैसा दिख रहा है ये। ओके इसको हम लोग, ओ लैपिस लुजी लेके आना चाहिए था यार मुझे। एन्चेंटिंग टेबल एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो आप। मैंने अभी के लिए सिर्फ इसको बना दिया है, इसको यहीं पे रखने वाले हम लोग। मेरे पास कुछ लैपिस लुजी है तो एक मिनट मुझे जस्ट चेक करना है क्या होता है। ओ समझ गया, मुझे एफिशिएंसी 2 मिल जाएगी अगर मैं इसको एन्चेंट करता हूँ। तो करते एन्चेंट, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है एंड अनब्रेकिंग 1 हो गई। पता नहीं यार ये मैं कुछ लगा दे इस पे। स्माइट 1 क्या होता है स्माइट, आई हैव नो आइडिया। मुझे जाना है अपने घर के ऊपर, बट यार कुछ तो अपने को पॉलिश्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओ गाइस अभी मुझे एक बात समझी, मुझे लगता है मैं एन्चेंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी लेवल्स कम है। ओके समझ गया मुझे अब, तो बाद में लेवल्स बढ़ा के हम लोग कर सकते हैं एन्चेंटिंग ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है। कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 है यार, 7 इधर टाइल से, तो 4 का बनाना अजीब हो जाएगा ऐसा बीच में अभी मेरे लिए नेदर पोर्टल। 1 2 3 मेरे पास 2 बच्चे हैं और, तो मैं इसको थोड़ा और वाइड कर सकता था यार, मैंने गलती कर दी मे भी। तो इसको और थोड़ा सा वाइड करते हैं हम लोग ताकि अच्छा दिखे ये। एग्जैक्टली उतने ही लेके आता यार, मस्त दिख रहा है ये अभी, मस्त तो दिख रहा है। इसको और भी थोड़ा सा मस्त करने वाला हूँ मैं। ओके ठीक है, ये एक तो हो गया। अभी आज इतना डेकोरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कम चीज़ें है, ड्योराइट है और आयरन भी है मेरे पास अच्छा खासा। ये मॉसी कॉबलस्टोन मैं लेके आ गया हूँ ताकि इसको एक मस्त वाला ऐसा पुराना वाला लुक दे पाऊँ मैं। सही हो जाएगा, ऐसा सही हो जाएगा। एंड थोड़ा और ये साइड एक और ये साइड एक, अभी सही दिख रहा है मुझे लगता है। ये और ये अभी सही लग रही है टॉर्चेस, ये 3। एंड ऊपर थोड़ा सा मुझे अजीब चीज़ करनी है, वो भी करता हूँ। मैं काफ़ी नया हूँ ये सब करने में तो मुझे लगता है थोड़ा सा अजीब दिख सकता है आपको। ये डेकोरेशन वाली चीज़ में मैं काफ़ी नया हूँ माइनक्राफ्ट का, इसलिए आप आइडियाज़ देते जाओ, आइडियाज़ दे दो यार। आप लोग सब कुछ कर गए। ओके किसी ने बोला था यहाँ का एक टूट गया, एक्चुअली ये टूटने गया है, वो थोड़ा ग्लिच टाइप है, मुझे मैं बाद में फिक्स कर देता हूँ क्योंकि उसके नीचे का भी एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा तभी ये फिक्स हो जाएगा। यार लैंटर्न्स क्यों नहीं लग रही मेरे से ऊपर, यहाँ पे एक लगानी थी। स्लैब पे लैंटर्न्स नहीं लगती क्या, हेलो। लाइक ये एक तोड़ देते, उप्स ये भी तोड़ देते, नीचे गिर गया यार। स्लैब पे लैंटर्न लगाने का क्यों ऑप्शन नहीं यार, स्लैब नीचे गिर गई मेरी सब। ओके ये देखो लग गए एकदम मस्त लैंटर्न्स लग गए मेरी। अबे यार नीचे क्यों गिर गया मैं। एक इश्यू हो गया गाइस, वो मुझे अभी टेम्पररी सॉल्व करना पड़ेगा। वो ऐसा है कि मैंने ये सब तो कर दिया बट अगर मुझे दूसरे साइड जाना होगा लाइक सीरियसली दूसरे साइड जाना होगा अगर मुझे बिना इसमें से जाए हुए तो बहुत मुश्किल था। अभी साइड से तो जा पाऊंगा मैं, नीचे क्यों गिर जाता हूँ मैं। इसके अंदर मैं अभी डालने वाला हूँ पानी। ओके और थोड़ा सा पानी लेके आना है मुझे, इसको अटकाना है ना, कैसे अटकाऊँ सोच रहा हूँ मैं अभी। अभी ये मालता भी है ओई। अभी यार इसको अटकाना मुश्किल है, छोड़ो इसको देने दो यार, बोल दो क्या मुझे। तो गाइस देखो मैंने थोड़ी बहुत तो कोशिश की है इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, आप ही देखो यार कैसा लग रहा है। अब मुझे तो लग रहा है थोड़ा बहुत अच्छा, नीचे गिर गया वापस। क्या बोलते हैं नेदर पोर्टल कैसा दिख रहा है आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मुझे पता है इतना भी अच्छा नहीं है बट इसको क्या क्या इम्प्रूव करूँ वो आप नीचे मुझे बता सकते हो हमेशा की तरह, ताकि हम लोग इसको एकदम मस्त बना दे। और अभी है ना मैं लेता हूँ फ्लिंट एंड स्टील। कहा गया फ्लिंट एंड स्टील मेरे पास है भी क्या। फ्लिंट एंड स्टील बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको आग लगा देता हूँ। नेदर पोर्टल चलता है क्या देखते है। ओके गाइस ये देखो ये हो गया अपना नेदर पोर्टल रेडी, रात के समय मैं इसको चलाने वाला हूँ। अबे हो गया गाइस नेदर पोर्टल, यस
गाइस तो इस वीडियो को अभी आप लोग लाइक कर दो और नीचे बताओ यार कैसा लग रहा है मेरा नेदर पोर्टल, क्योंकि हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे नेदर में। आप जो भी बोलोगे वो सब हम लोग करने वाले हैं अगले एपिसोड में, टेंशन की कोई बात नहीं। इसलिए सब कमेंट करो, लाइक तो करना ही, वैसे भी सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।